सीएम भजन लाल शर्मा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम ने विकसित भारत विकसित राजस्थान का बताया लक्ष्य। जेपी नड्डा ने उठाया हेवा समिति की रिपोर्ट का मुद्दा। न्याय में देरी पर नड्डा ने उठाए सवाल। सीएम नायडू ने की बाढ़ को लेकर बैठक। बाढ़ की स्थिति पर अधिकारियों को दिए निर्देश। जगदीप धनखड़ ने आवारा आवाजों की आलोचना की। कहा ऐसे बयान मानवता को शर्मिंदा करते हैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस बैठक में राजस्थान के विकास और जन कल्याण योजनाओं पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकसित भारत विकसित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केरल के पलक्कड़ में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों से बातचीत की। उस दौरान उन्होंने हेमा समिति की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि रिपोर्ट के निष्कर्षों पर न्याय में देरी क्यों हो रही है और राज्य सरकार को इसका खुलासा करने में क्या परेशानी है। नड्डा ने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के शामिल होने की बात की गई है, जिसे छिपाया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वो इस मामले पर सामने आए और स्थिति स्पष्ट करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक में उन्होंने बाढ़ के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि कुछ आवारा आवाजें मानवता की शर्मिंदगी की ओर बढ़ाती हैं, जिसको लेकर उन्होंने संसद सदस्य और वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वो अपने विचारों पर फिर से सोचे और सार्वजनिक माफी मांगे। इसके साथ ही धनखड़ ने चेतावनी दी कि ऐसे बयानों से निष्पक्षता खत्म होती है और ये गुमराह करने वाली सोच को बढ़ावा देता है। When humanity has been shamed, there are some stray voices, voices that cause concern. They only aggravate our excruciating pain. To put it mildly, they are adding bucketfuls of salt to our injured conscience. And what do they say? It is symptomatic malaise of frequent incident. When it comes from someone who is a member of parliament, a senior advocate, then the culpability is of extreme degree. There can be no alibi for such kind of demonizing thoughts. एयर इंडिया के विमान के बाद अब इंडिगो को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से तेलंगाना के हैदराबाद जाने वाली इंडिगो के विमान को बम की धमकी के बाद रविवार को नागपुर डायवर्ट कर दिया गया। इंडिगो के बयान के मुताबिक जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली उसकी फ्लाइट 6E7308 को विमान में बम की धमकी के कारण रविवार सुबह नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया। नागपुर में विमान के उतरने के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद अनिवार्य सुरक्षा जांच की गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी का संदेश कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, जो प्लेन के बाथरूम में मिला। हालांकि अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे विमान की सघन जांच करी है, लेकिन यह भी पिछली धमकी की तरह अफवाह ही साबित हुआ और जांच में कुछ न मिलने पर प्लेन को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की।